गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कल स्टडी शाम ढलने वाला है और मैंने सोचा क्यों ना इस शाम को आपके साथ शेयर किया जाए। कहा था ना कि जब तक ये जान मैं नाचूंगी, बिल्कुल इस तरह से जब तक ही ये बैल्कनी मेरा लाइट जलता रहेगा। जब मैं नए घर में जाऊंगी ना वहाँ पर भी मैं ऐसे ही लाइट सेट करूंगी, पर अलग लाइट और अलग डिज़ाइन से सेट करूंगी। और शाम के टाइम में जब लाइट्स जलता है ना तो शाम का मज़ा ही कुछ अलग होता है। अंधेरा क्यों ढलता है पता है? ताकि हम रोशनी से पूरी दुनिया को रोशन कर सकें। तो इसलिए कोई आया है, शायद ऑस्कर आया है, क्योंकि ऑस्कर अभी वॉक करने गया था तो अभी उसका वापस आने का टाइम भी हो चुका है। आज का मेरा और एक मिशन है, वो ये है कि आज मुझे बनानी है कुल्फी। आर्यन बहुत दिन से बोल रहे थे कि उसे आइसक्रीम खाना है, मुझे फालूदा बनानी है, फालूदा ड्रिंक। तो बहुत दिनों से वो बोल रहा था कि उसे कुल्फी खाना है या तो आइसक्रीम खाना है होममेड। तो होममेड वो जो पैकेट मिलता है ना वो मुझे नहीं मिला, तो इसलिए मुझे मिला फालूदा का पैकेट। तो मैं फालूदा का पैकेट लेके आई और आज शायद ज़िंदगी में पहली बार मैं फालूदा बनाऊंगी, क्योंकि फालूदा का पैकेट मैंने पहले भी बहुत सारे देखे पर कभी बनाने का ये नहीं किया, मतलब हिम्मत नहीं की कि फालूदा कितना अच्छा ड्रिंक है वो मैं कैसे बना लूँगी। उसके बाद जब मैं इस पैकेट को पढ़ा फिर मैंने देखा कि इतना ईजी है, बस मिल्क में ऐड करो, थोड़ा सा बॉयल करो, ये बन जाता है। रेसिपी के हिसाब से एक फालूदा पैकेट बनाने के लिए मुझे 200 ml पानी की ज़रूरत है, पर ये जो वन कप है ना ये इक्वल वन कप इक्वल्स टू 235 ml, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही ले रही हूँ। उसके साथ 1 liter मिल्क ऐड करना पड़ेगा। ऑस्कर प्लीज चूप कौन ना एक टू। इस दूध को तब तक मुझे स्टीर करते रहना है और उबलते रहना है जब तक कि ना ये थिक कंसिस्टेंसी में आ जाए, मतलब थोड़ा सा थिक, ज़्यादा नहीं। और इसके साथ मुझे ये थोड़ा सा गर्म हो जाए, हल्का सा गर्म हो जाए, उसके बाद ये फालूदा मिक्स मुझे पूरा ऐड करना है। और इस फालूदा ड्रिंक को बनाने के लिए जैसे कि यहाँ पे पिक्चर दिया गया है, मैं वैनिला आइसक्रीम ला के रखी है और उसके साथ चिया सीड्स भी मैं भिगो के रखा है, तो ये दोनों मिला के बिल्कुल शॉप जैसा होगा, मतलब रेस्टोरेंट में जैसे देता है। पापा और ऑस्कर की चिल्लाने से आपको पता चल रहा होगा। आ गए डैडा, गुस्तु करना ऑस्कर, बस होएगा छे। लास्ट 45 मिनट से वो उबल रहा है। अभी तक वो बॉयल नहीं हुआ, पता नहीं कब होगा। अभी तो मुझे डिनर की टेंशन है क्योंकि आज मुझे डिनर में बनाना है पनीर की सब्ज़ी, और आजकल मासी रोटी बना के चले जा रहे हैं क्योंकि हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे कि रात के खाने के लिए क्या करें। कि नॉनवेज हम दोपहर को खा रहे हैं और दो टाइम नॉनवेज अच्छा नहीं लग रहा है, और फिश के साथ रोटी, तो ये काफ़ी हद तक गाढ़ा बना है, पर बहुत ज़्यादा गाढ़ा तो फालूदा ड्रिंक शायद नहीं होता। और अभी इसे थोड़ा सा ठंडा करने के बाद मुझे फ्रिज में डालना है 2 घंटे के लिए एटलीस्ट। हाँ, 2 घंटे के लिए। एज यूजल फ्रिज चेक करने के बाद एक भी वो सब्ज़ी नहीं मिला जो सब्ज़ी की हमें ज़रूरत थी, तो मुझे फाइनली मेरा जो रेसिपी था उसे चेंज करना पड़ा। पर पनीर का रेसिपी बनाऊंगी, पर उसके साथ मैं शाही पनीर टाइप्स कुछ बनाऊंगी। जैसे कि एक मिक्सिंग कप में मैंने कर्ड, कैशू और टमाटर ले लिया है। कैशू को थोड़ा सा सॉफ्ट होने दीजिए, उसके बाद इसमें ब्लेंड कर लूँगी। वैसे बहुत पहले से दे दिया था और अभी काफ़ी टाइम भी हो चुका है। हाँ, और उसके साथ साथ मैं शुरू कर देती हूँ मेरा और सारे प्रिपरेशन। पनीर कट कर लेते हैं और सिर्फ पनीर के साथ ही पनीर
क्या बनाओ, पनीर बटर मसाला का भी सेम इंग्रेडिएंट से, अगर शाही पनीर बनाओ उसका भी सेम इंग्रेडिएंट से, पर शाही पनीर में थोड़ा सा क्रीम की जरूरत पड़ती है, पर मेरे पास क्रीम नहीं है। तो जो भी है मैं कुछ बना लेती हूँ, उसका नाम उसके बाद कुछ रख लेंगे प्यार से, और क्या। तो यहाँ पे सारे मसाले मैंने ले लिया है, और जिंजर और गार्लिक पेस्ट है मेरे फ्रिज में। जिंजर और गार्लिक पेस्ट ना हमेशा अगर ऐसे बना के रखते हो ना, तो कभी भी किसी भी टाइम में, इवन लेट नाइट में भी अगर आपको मन करता है कुछ खाने का, तो इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मासी हमेशा ऐसे बना के रखते हैं, और पहले बैंगलोर में मैं ऐसे बना के रखती थी। और लंबे टाइम के लिए अगर बना के रखना चाहते हैं, तो इसे आप आइस जो ट्रे है ना, उसमें आइस बना के रख दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। उसके साथ मुझे चाहिए घी, पनीर, और ये रहा, ये तो मैंने आपको पहले ही दिखाया, सारे मतलब टमाटर, कर्ड, और क्या था, हाँ, और कैशू, इसका पेस्ट। तो गर्म घी में मैं छौंक दूंगी सिनेमन, कार्डमम एंड लौंग। गर्मी बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा मैंने टेस्ट करके देखा, इतना अच्छा बनाया, इतना अच्छा बनाया कि बिल्कुल मन भर गया। एंड गाइस, यहाँ पे आपको लग सकता है कि मैंने अनियन क्यों नहीं डाला। एक्चुअली मैंने अनियन इसलिए नहीं डाला क्योंकि अनियन के जो पीसेस है ना, वो पनीर में मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, जब बाइट के साथ जब आ जाता है तो अच्छा नहीं लगता। और अगर अनियन पनीर में आप डालते हो, तो अनियन को फ्राई करके उसे ब्लेंड करके डालना, ताकि अनियन का टेस्ट आ जाए, पर अनियन का कोई भी नाम निशान ना रहे। या तो अनियन, जिंजर, गार्लिक सब एक साथ बॉयल कर लेना, फिर क्या बोलते से सिनेमन, कार्डमम, क्लोव सब एक साथ बॉयल कर लेना। बॉयल करके उसका जो रॉ फ्लेवर है उसे निकाल देना, और उसके बाद उसे अच्छे से ब्लेंड करके आप पनीर में डाल सकते हो। इसका एक रेसिपी भी होता है जो कि चिकन के साथ भी आप बना सकते हो। इनका नाम क्या है मैं भूल जाती हूँ बार बार, पर आहना, हाँ राइट, आहना, ये मुझे बहुत पसंद है। ये यूट्यूब से ही आया है आहना, ये यूट्यूब से आया है, और ये सीरियल ऐड करती थी शायद, ऐड करती थी। हाँ, शायद वो इनका पहचान क्या यूट्यूब से ना, मैं इनका यूट्यूब चैनल देखती थी, ये पहले कौन सी चैनल में, टीवीएफ में, आरे आरे टीवी में, आरे 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 में थी वो। अभी बनेगा हमारा फालूदा, जो फालूदा खाने के लिए हम बाहर मतलब शॉप ढूंढते रहते हैं कि कहाँ पे फालूदा मिलेगा, और हर एक जगह पे ना फालूदा नहीं मिलता। अब आइसक्रीम कुर्ती तो मिल जाएगा, पर फालूदा मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये काफ़ी ठंडा हो चुका है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी मुझे भी नहीं पता। ये है सब्जा सीड्स, तो सबसे पहले सारे ग्लास के नीचे में सब्जा सीड्स दूँगी। उसके बाद मैं फालूदा पोर करूंगी। और अभी सारे फालूदा यहाँ पे पोर हो चुका है आराम से, तो अभी मैं इसमें ऐड करूंगी वैनिला आइसक्रीम, पर ये ना ऑलरेडी बिगल चुका है। ये तो ये देखो कितना अच्छा फालूदा बन चुका है हमारा, होममेड फालूदा। तो ऐसे ही हम घर में जब चाहे फालूदा खा सकते हैं। तो सबसे ज्यादा अच्छा वाला जो है वो हम
आर्यन को देते हैं। आर्यन ले लो तुम्हारा फालूदा। कैसा बना है खा के पहले देखो। अच्छा बना है। अच्छा, आर्यन का मूड थोड़ा सा खराब है अभी, तो इसलिए इसका जो रिएक्शन है, इसका जो फीडबैक है, तो वो फीडबैक थोड़ा सा इस तरह से हमें मिला। क्योंकि अभी रिजल्ट निकालने में थोड़ा सा टाइम है, तो मैं गेम क्यों नहीं खेलूंगा, यही है आर्यन का रीजन। शुगर मैंने कुछ ऐड नहीं किया, पैकेट के अंदर जो भी था सारे चीजें वहां पे मिक्स किया हुआ था। इससे भी ज्यादा अगर गर्म होगा तो ड्रिंक किस बात की। बेचारा ऑस्कर के अलावा हम सब इसे एंजॉय कर रहे हैं, बेचारा ऑस्कर इसे एंजॉय नहीं कर पाएगा। ऑस्कर जब अपना कैल्शियम स्टिक एंजॉय करता है तो हम तो नहीं मांगते। जो भी हो, जैसा भी हो, घर का बना हुआ है, खुद का हाथों का बना हुआ है, बहुत अच्छा है। गुड मॉर्निंग, आज है नेक्स्ट डे। थैंक गॉड कि आजकल हमें गीजर की जरूरत नहीं पड़ती। अभी मैं जाऊंगी नहाने, हमारा जो गीजर है वो फिर से खराब हो गया। गुड न्यूज। और ये सारे न्यूज वैसे गुड न्यूज ना ही बैड न्यूज, ये सारे कॉमन न्यूज है। और कुछ दिनों के अंदर हम यहाँ पे रहेंगे भी, तो इस बात से काफी खुश है हम कि चलो एटलीस्ट जो भी खराब हो, जो भी टूटे फूटे, इससे अभी कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस थर्सडे यहाँ का जो ब्रोकर है वो दूसरे पार्टी को लाएंगे ये घर दिखाने, कि हमारे चले जाने के बाद वो लोग यहाँ पे रहेंगे या नहीं। मिथुन ने बोला देखो सारे चीज़ें रिपेयर कर लो, उसके बाद किसी दूसरे पार्टी को लाओ, क्योंकि सारी चीज़ें टूटा फूटा है, ये देखे तो कोई नहीं यहाँ पे आएगा। अरे ठीक है, कोई बात नहीं सर, एक बार दिखा देते हैं उसके बाद रिपेयर कर देंगे। चलो ठीक है, तुम्हारा कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मिथुन ने बहुत अच्छा सलाह दी थी कि पहले ठीक करवा लो, उसके बाद किसी को दिखा दो। दो मिनट भी अभी बाहर रहना मुश्किल हो रहा है, हर टाइम घर के अंदर अच्छा नहीं लगता। तो कभी कभार बैल्कनी अगर बड़ा हो तो कभी कभार यहाँ पे बैठने का भी मन करता है, पर यहाँ पे कौन बैठ सकता है, इतना गर्मी। तो थोड़ा सा भी अगर किचन की तरफ जाओ या थोड़ा सा भी अगर बैल्कनी में बैठो ना, कुछ देर बाद ना ये कुछ देर बाद ऑस्कर चला आता है और उसके बाद ही शुरू हो जाता है पसीना बालों के अंदर। बहुत घूमने जाने का मन कर रहा है। बच्चों का एग्जाम हो जाने के बाद मैं बचपन से देख रही हूँ कि जब हमारा एग्जाम हो जाता था ना, तो तब घर वाले कोई वैकेशन प्लान करते थे, दिल्ली, आगरा, फिर साउथ इंडिया, ये सारी जगह पे शादी से पहले हम लोग घूम चुके हैं, तब मैं छोटी थी। तो अभी शादी के बाद क्या हुआ है कि हमारे जो बच्चे हैं उसके स्कूल में कब छुट्टी होगा, तो उस टाइम के ऊपर डिपेंड करते हम कहीं पे जाए। तो अभी जबकि वैकेशन वाला थोड़ा सा मूड है, आर्यन का एग्ज़ाम भी हो चुका है और आजकल के अंदर आर्यन का रिजल्ट भी आ जाएगा, फिर स्कूल स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले की तरह वो लंबा छुट्टी वाला कॉन्सेप्ट नहीं रहा। फिर भी अभी वैकेशन मतलब मूड का क्या कर सकते, बहुत अच्छा लगता है ना घूमने जाने का, सोचते हैं ना हम तभी मन इतना फ्रेश हो जाता है। तो आप लोग मुझे लिख के बताना एक चीज़ के हर इंसान का ना कोई फेवरेट डेस्टिनेशन होता है, जब इंसान रेस्ट लेना चाहते हैं, जब बहुत सोचते हैं कि बहुत काम कर लिया, बहुत प्रेशर में काम कर लिया, चलो अभी थोड़ा सा फ्रेश होना है, थोड़ा सा रेस्ट लेना है, तो एक डेस्टिनेशन तो होता ही है जहाँ पे वो जाना चाहते हैं, चाहे वो कितना भी टाइम वहाँ पे घूम चुके हैं। तो आप लोगों का वो कौन सा जगह है वो मुझे ज़रूर लिख के बताना। मेरा है गोवा। गोवा मैं कितनी बार जा चुकी इसका कुछ ठीक नहीं है, चाहे दुनिया के कितने भी जगह मैं घूम लूँ जिंदगी में कभी, पर उसके बाद भी अगर मुझे रेस्ट लेने के लिए और मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन पूछा जाए तो वो होगा मेरे लिए गोवा। इतना अच्छा लगता है वहाँ पे ऐसे ही कुछ नहीं, शैक में बस बैठ के लोग नहा रहे हैं वही देखो, मुझे समुंदर में जाना नहाना वो सब अच्छा नहीं लगता, मैं जाती भी नहीं हूँ।
आर्यन और मिथुन दोनों वहाँ पे नहाते हैं, मस्ती करते हैं पानी के साथ, पर मुझे पैर में थोड़ा सा टच करती हूँ समुद्र के पानी में, उसके बाद मैं चली आती हूँ। शैक में बैठ के लॉन्ग टाइम उन लोगों को देखती रहती हूँ, लोग मस्ती कर रहे वो देख रही हूँ, इससे मुझे अच्छा लगता है। और मेरा एक सपना है कि कभी मैं गोवा में जाके किसी लोकल जगह पे रहूँ। लोकल जगह मीन्स उनका क्या बोलते हैं, किसी के घर में रहूँ, पेइंग गेस्ट के हिसाब से उनके जो ट्रेडिशनल डिश है वो मैं टेस्ट करूँ, उनका जो लाइफस्टाइल है वो मैं देखूँ, गोवानीज का जो लाइफस्टाइल है, उनका फेवरेट फूड क्या है, उनका फेस्टिवल्स क्या है, वहाँ पे वो लोग क्या क्या खाना बनाते हैं, किस तरह से उसे सेलिब्रेट करते हैं। मतलब गोवानीज को बहुत करीब से देखने का एक्चुअली मन है, उनके वहाँ के जो छोटे छोटे गाँव है जहाँ पे फार्मिंग होता है वो सारे जगह घूमने का मन है, पर टूरिस्ट के हिसाब से जाते हैं ना, तो इसलिए हमेशा होटल में रहना पड़ता है, जो व्यू पॉइंट जो है वो घूमना पड़ता है। कोई लोकल गोवानीज अगर मिल जाए तो उनके साथ हम नॉर्मल सादा सीधा जो गोवानीज लाइफ है उसे हम लीड करना चाहते हैं, एटलीस्ट 4-5 दिन के लिए भी हो तब भी। और लोग बोलते हैं ना कि जो चीज़ आप सोचते हो, दिल लगा के, मन लगा के सोचते हो, वही हकीकत में बदल जाता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो मेरे लिए भी कुछ ऐसा ही है। पता है 2 महीने पहले द इंडियन एक्सप्रेस नाम का एक ऑनलाइन न्यूज़पेपर है, वहाँ पे मेरा इंटरव्यू लिया गया और वहाँ पे सेम चीज़ें पूछा गया कि आपका फेवरेट डेस्टिनेशन। हर एक बात दिल से बोला है, अपने फैमिली के साथ एंजॉय करना या फ्रेंड्स के साथ अगर जाते हैं तो फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना, बस ये सब। तो चलिए अभी इस वीडियो को हम ये पेंट करते हैं, अभी मैं नहाने के लिए जाऊंगी और कितना ज़्यादा बातें कर लिया, तो अभी नहाना है और आज का रूटीन हमें स्टार्ट करना है, क्योंकि अभी है मॉर्निंग का टाइम, तो और भी बहुत सारे काम है। अभी हम शिफ्ट करने वाले हैं, तो इसके लिए भी छोटे छोटे पैकिंग हम, मैं और मासी दोनों मिलकर करने वाले हैं, होगा सब मिला के। तो चलिए आज इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तो फिर आपसे मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय।